Hello everyone, welcome back to Adhyayan Classes. Myself Santosh Kumar. Today we will do the question answers of the poem Where Do All the Teachers Go? From ncert Honeysuckle book of class 6. Let us see working with the poem. Answer the following questions. Number 1. Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? Poet ye kyun janna chahte hain ki teachers 4 बजे कहाँ जाते हैं? Answer: The poet is naturally curious to know about his teachers. As the school closes up for the day at 4 o'clock, he goes home. He wonders where all his teachers go after the school hours. Poet: शिक्षक के बारे में जानने के लिए बड़े curious हैं. जब 4 बजे स्कूल बंद हो जाता है, तो वो घर जाते हैं. लेकिन उनको आश्चर्य होता है कि 4 बजे के बाद जब स्कूल बंद हो जाता है तो उनके शिक्षक कहाँ जाते हैं. सेकेंड, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट. पोएट जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल पीपल सभी लोग करते हैं. आंसर, द नॉर्मल पीपल टेक ऑफ देयर ट्राउजर्स एंड वियर पायजामाज. दे वॉच टीवी, क्लीन देयर नोज, live with their parents and their family, they make mistakes, get punishments, make scratches on desktops and wear dirty jeans. सामान्यतया लोग घर में ट्राउजर्स या पायजामास पहनते हैं, टीवी देखते हैं, अपने नाक को साफ करते हैं, अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली के साथ रहते हैं, वे भी गलतियां करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है और डेस्कटॉप पे बेकार सी लाइनें खींचते हैं और डर्टी जीन्स पहनते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट. वो क्या इमेजिन करते हैं? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. वेयर टीचर्स लिव, टीचर कहाँ रहते हैं? आंसर, ही इमेजिन्स दैट हिज टीचर्स लिव्स इन हाउसेज. वो ऐसी कल्पना करता है कि उसके टीचर्स घरों में रहते होंगे. बी, व्हाट दे डू एट होम, वे घर पे क्या करते होंगे? आंसर, दे वियर कैजुअल ड्रेस, वॉश देयर सॉक्स, क्लीन देयर नोजेस एंड वॉच टीवी एट होम. वे घर पे कैजुअल कपड़े पहनते हैं, अपने सॉक्स धोते हैं, नाक साफ करते हैं और टेलीविजन देखते हैं. सी, द पीपल विथ होम दे लिव, किन लोगों के साथ वे रहते हैं? आंसर, दे लिव विथ देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. वे अपने पेरेंट्स के साथ और भी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं. डी, देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे आर चिल्ड्रेन इन द स्कूल, जब वो स्कूल में बच्चे थे तो किस तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे? आंसर, व्हेन दे वर चिल्ड्रेन दे मेक मिस्टेक्स, बीन पनिश्ड, स्टोल चॉकलेट्स, लॉस्ट देयर हाइम बुक, लेफ्ट द ग्रीन, मेड स्क्रैचेस ऑन द डेस्कटॉप्स एंड वोर डर्टी ट्राउजर्स. जब वे बच्चे थे तो वे भी गलतियाँ करते थे, पनिशमेंट मिलता था, दूसरे की चॉकलेट चुरा लेते थे, अपनी हाइम बुक प्रार्थना की बुक खो देते थे, सब्जियाँ छोड़ देते थे और डेस्कटॉप पे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचते थे और गंदे ट्राउजर्स भी पहनते थे. 4. व्हाई डज द पोएट वंडर इफ द टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू. पोएट इस बात से क्यों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उनके टीचर भी वो काम करते हैं जो दूसरे लोग किया करते हैं? इसका आंसर है, द पोएट कंसिडर्स हिज टीचर्स एज स्पेशल पीपल हु आर स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड, डू नॉट मेक मिस्टेक्स, ही नोज नथिंग अबाउट देयर होम एंड देयर एक्टिविटीज. सो द पोएट वंडर्स इफ द टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू. पोएट अपने टीचर्स को बहुत ही स्पेशल व्यक्ति समझते हैं, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, गलतियाँ नहीं करते हैं. वे टीचर्स की होम एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या उनके टीचर्स भी वो सब काम करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं. 5. हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट. पोएट इन बातों को कैसे पता लगाते हैं और एक बार पता चल जाने के बाद वो क्या करेंगे? आंसर, द पोएट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स टू हिज होम. He will secretly watch his activities and his family. He will then put those informations in a poem for the other children.
पोएट योजना बनाते हैं कि वो टीचर के पीछे पीछे उनके घर जाएंगे, उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनके फैमिली के बारे में चुपके से पता करेंगे और इन सारी इन्फॉर्मेशंस को एक पोएम में लिखेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी उस पोएम को पढ़ के टीचर के बारे में जान सकें। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन? पोएम में से दिए गए नीचे दो फ्रेज हैं, उनका क्या मीनिंग है? फ्रेज नंबर वन, पनिश्ड इन द कॉर्नर। आंसर, गेटिंग पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम में खड़े रहने का पनिशमेंट मिलना। सेकेंड फ्रेज है, लीव दियर ग्रीन्स। इसका मीनिंग है, सम चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लीव देम अनटच्ड इन देयर लंच बॉक्स और प्लेट्स। कुछ बच्चे हरी सब्जियां पसंद नहीं करते हैं और वो लंच बॉक्स में या अपनी प्लेट्स में उनको छोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।